बड़ा अच्छा सवाल था। एरिया बाउंडेड बाय द कर्व वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 4+4 एन एक्स एक्सिस बिटवीन द कोऑर्डिनेट्स एक्स इक्वल टू 1 एन एक्स इक्वल टू 2 इस। तो देखो एक्स स्क्वायर अपॉन 4+4 है, ठीक है, लिमिट क्या दे दी है, 2 और 1 दे दी है, इंटीग्रेशन करनी है। एक्स स्क्वायर है तो एक्स क्यूब अपॉन 3 हो जाएगा, ये 1/4 हमने साइड पर लिख दिया, और 4 का इंटीग्रेशन 4x हो जाएगा। अब करेंगे क्या, पहले अपर लिमिट 2 पुट करेंगे, फिर माइनस आके लोअर लिमिट 1 पुट करेंगे। एक्स स्क्वायर 2 पुट करो, 2 का क्यूब 8 और 4 3 ज़ा 12, यहाँ एक्स 2 है तो 4 2 ज़ा 8। और अब देखो 1 पुट करो, ये तो 4 3 ज़ा 12 है, एक्स की जा 1, 1 का क्यूब ज़ाहिर है 1 ही रहता है, और यहाँ भी एक्स की जा 1। अब देखो यहाँ से ना 8 आया और यहाँ से 4 1 4 आया, 8 - 4 4 बच गया। यहाँ से 2 का क्यूब 8/12 और यहाँ से -1/12, 8/12 और -1/12 क्या हो जाएगा 7/12, दोनों को प्लस करो, आंसर ये आ जाएगा ऑप्शन बी, 4 whole 7/12। कह रहे हैं द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला एक्स स्क्वायर प्लस 4x - y + 5 = 0। अब वर्टेक्स की बात हो रही है, देखो पहले एक्स स्क्वायर प्लस 4x को एक तरफ लिखो और ये जो बाकी है ना y, इसे दूसरी तरफ ले जाओ y - 5। यार अब यहाँ ढूंढो परफेक्ट स्क्वायर बनाने का चांस। एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab। देखो 4x है ना, तो ऑफ कोर्स b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब फार्मूला तो होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर ऐड करेंगे तो लेफ्ट ऐड करेंगे तो राइट वे भी करना पड़ेगा। 2 का स्क्वायर क्यों, देखो 4 को 2 से डिवाइड करो 2 आता, 6 होता तो 6/2 3 का स्क्वायर करते। लेफ्ट पे तो x प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, राइट पे y - 5 + 2 का स्क्वायर 4 y - 1 हो जाएगा। 1 कॉमन ले लें तो देखो h की वैल्यू -2, k की वैल्यू 1, वर्टेक्स ही पूछा था उन्होंने h कॉमा k -2, 1। यहाँ 4a निकालने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि लेटेस्ट रेक्टम वगैरह की कोई बात ही नहीं हो रही थी, वर्टेक्स पूछा है जो कि h कॉमा k होगा। और देखें h कॉमा k इसलिए भी होगा क्योंकि यहाँ जो गिवन इक्वेशन है एक्स स्क्वायर एक्स के साथ y का कोफिशिएंट भी दिया हुआ है, x y दोनों के कोफिशिएंट दिए हों तो ऑफकोर्स h कॉमा k 0 कॉमा 0 नहीं होता, कुछ ना कुछ होता है, और वही पूछा था तो ये -2, 1।